चैनल शॉपिंग लैंड। तो आज के इस वीडियो में रिव्यू देने जा रही हूँ सोफा कवर का, जो कि मैंने डेफिनेटली हमेशा की तरह बाय किया है फ्लिपकार्ट से। तो मैं ये दिखा देती हूँ, ये सोफा कवर खरीदने का पर्पस मेरा ये था। नॉर्मली जो हम घर में सोफा पे कवर यूज करते हैं वो जस्ट लाइक बेडशीट की तरह हमें स्प्रेड कर देते हैं, और जब भी हम उस पर बैठते हैं तो वो थोड़ी अनटाइडी सी हो जाती है। तो इस सोफ़ा में ये है, आप इस पे चाहे सोफ़ा कवर की खासियत ये है कि आप इस पे चाहे बैठ लो, चाहे लेट जाओ, चाहे बच्चे इसमें प्ले करते रहे, ये बार बार ख़राब नहीं होगा, आपको बार बार ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा बस यही पर्पस था इसको बाय करने का। जैसे कि आप मेरा सोफ़ा का बैकग्राउंड देख सकते हैं, ब्राउन कलर का है, तो मैंने भी कवर जो है ब्राउन कलर का बाय किया है। तो इसमें आपको 3-4 कलर्स मिल जाएंगे, इसमें आपको ब्लू कलर मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, मैरून मिल जाएगा। तो जैसा भी आपको पसंद है आप बाय कर सकते हो। मैंने अपने सोफ़ा को मैच करते हुए मैंने ये कलर बाय किया है। तो ये जस्ट जैसे आप पिलो पे कवर चढ़ाते हैं, सेम आपको कुशन पे जो है सोफ़ा के कुशन हैं, जो सिटिंग वाले कुशन हैं या फिर बैक सपोर्ट वाले कुशन हैं, उस पर आपको पिलो कवर की तरह इसको जस्ट कवर चढ़ाना होता है। फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट जो है इसका ये वेलवेट में होगा, लेकिन सॉफ्ट वेलवेट नहीं है, बहुत ही रफ वेलवेट में है। और बैक जो होगा इसकी बहुत ही थिन लेयर है, जो कि पॉली कॉटन में है, प्लस इलास्टिक मिलेगी जो कि आपके कुशन को प्रॉपर शेप देगी। तो कॉस्ट की मैं बात करूँ, इसका कॉस्ट मुझे कुछ मुझे ज़्यादा लगा है। 999 का जो है मैंने बाय किया है, लेकिन अगर आप सेल में इसको बाय करेंगे तो मैंने 700 की रेंज में भी सेल में इसको परचेज मतलब देखा है मैंने। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मैं इसका बाय लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ जाके परचेज कर सकते हैं। और ये मैंने ऑलरेडी अपने सोफ़ा के कुशन पे जो है एक मैंने ऑलरेडी इस पर कवर चढ़ा दिया था, तो अगर आप इसको चढ़ा देंगे तो कुछ ऐसे टाइप का लुक देगा, और बैक साइड से जो है ऐसा आएगा। तो आप इस पर अगर बैठोगे तो ये मतलब रिंकल फ्री रहेगा, बार बार ख़राब नहीं होगा, बार बार आपको ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भी भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने सोफ़ा कुशन पे कवर चढ़ा दिए हैं। तो जेन्युइन रिव्यू मैं आपको बता रही हूँ, ये मुझे वर्थ बाइंग नहीं लगा है, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है बहुत ही हाई कॉस्ट है, प्लस क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, और ये लुक वाइज भी ओके है। और सबसे बैड थिंग इसकी ये है कि फ्लिपकार्ट पे इसकी रिटर्न पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं।